क्या लेकर जाना, नरक दहाने जाओ तो क्या लेकर जाना, जम के बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, तुम तो नर्मदा जी के किनारे के हो। हाँ, कोई पूछे तुमसे कि नर्मदा नहाने जाओ तो क्या लेकर जाओ, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे, बोलो तो। काबिल, हेरे राम, यही है ना मंडलेश्वर है, तो माँ मार्केट में टाविल नहीं है, किसी के पास जाते हो तो क्या लेकर जाना चाहिए, जो उसके पास में नहीं है वो लेकर जाओगे तो वो रखेगा कि नहीं रखेगा। किसी ने भगवान कृष्ण से कहा कन्हैया को भोजन प्रिय है तो भोजन दे दो, भगवान कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे भोजन का करूंगा क्या, आधा चावल का दाना करता हूं 10,000 ब्राह्मण का पेट भर देता हूं, द्रौपदी क्या भरा था। किसी ने कहा भगवान को कपड़े अच्छे लगते कपड़े दे दो, भगवान के तुम्हारे कपड़े का करूंगा क्या, एक उंगली उठाई थी द्रौपदी को 9,999 देकर आया था, दूसरी उंगली उठाई नानी भाई का 56 करोड़ का मायरा भरकर आ गया, मेरी तो खुद फैक्ट्री कपड़े की, मुझे तुम्हारे कपड़े भी नहीं चाहिए। तो फिर किसी ने कहा भगवान को दे क्या, तो किसी ने कहा भगवान को सोना चांदी हीरा पन्ना दे दो, भगवान के तुम्हारे हीरे पन्ने सोना चांदी का करूं क्या, लक्ष्मी तो मेरे चरणों में बैठी और मेरे ससुर का नाम रत्नाकर समुद्र, रत्नाकर मेरे समुद्र मेरा ससुर है, जिसने अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह करा होगा तो रतन सोना चांदी कितना दिया होगा, मुझे तुम्हारे सोना चांदी भी नहीं चाहिए। तो फिर किसी ने कहा भगवान को दे क्या, क्या दे, सीधी सीधी तुम्हारे ऊपर कथा लेके देखो, तुम्हारे पास में पीले कलर की साड़ी है और कोई तुम्हें पीली साड़ी देगा तो तुम उसको तैयार करोगे क्या, जम के तो बोलो नहीं करोगे, अच्छी होगी बहू को दे दोगे और अच्छी होगी बेटी को दे दोगे, साड़ी जरा सी भी गड़बड़ होगी पैक करके भागवत पे चढ़ा दोगे। भागवत जी पे चढ़ जाएगी अगर अच्छी नहीं होगी तो, अच्छी होगी बहू को और अच्छी होगी बेटी को। और किसी ने तुमको लाल कलर की साड़ी दी, गुलाबी साड़ी दी, जो तुम्हारे पास कलर ही नहीं था, ऐसी जोरदार साड़ी आ गई तो तुमने तुरंत उका वो जो भी था उनको काट कुटा के और तुरंत सिलवाने डाला और फाल माल लगवा लगो के, और इतना दिन में तो जो कथा में आई तो दमक के पेड़ पुड़ा की आएगी, तो जो कलर नहीं था वो तुमने तैयार कर लिया, जो था वो तुमने तैयार नहीं करा। भगवान भी वही कहते हैं कि जो मेरे पास आ रहा है, नर्मदा नहाने आ रहे हो तो क्या लेकर जाओगे नर्मदा नहाने के लिए, जल्दी बोलो। एक ने तो बोल दिया टाविल, क्या लेकर जाओगे, भाव लेकर जाओगे, निर्मल मन सो मोही, हम नर्मदा जी के घाट जाएं तो मन लेकर जाएं। क्या मन लेकर जाना है, कि ये नर्मदा केवल पानी नहीं है, ये नर्मदा केवल नदी नहीं है, ये हमारी माँ है। तो क्यों नर्मदा को माँ मान कर जाओगे तो तुमसे पाप नहीं होगा, तो तुम क्या पाप नहीं करोगे, तो के ये कपड़ा भी तुम मुँह में साबुन लगा लगा के जो धोते हो ना ये बंद कर दोगे, भाव लेकर जाओगे तो, निर्मल मन लेकर जाओगे तो, कचरा नहीं डालोगे, नरियल फोड़ के नट्टी नर्मदा में नहीं पटकोगे, अगर माँ मानोगे तो, भाव मानोगे तो। दिल मान माँ नर्मदा तो है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाएगा, माँ नर्मदा तो है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे